हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी की जो अभी लेटेस्ट नोटिस आई है उसके बारे में। सो क्या कहती है उस नोटिस में, आइए देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है एसएससी के बारे में। मैल प्रैक्टिसेज इन एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द कमीशन। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और फैसिलिटेटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ द टेस्ट कॉन्टेंट्स इन एनी फॉर्म और एनी इंफॉर्मेशन देयर इन होल और पार्ट देयर फोर बाई एनी मीन्स दैट इज वर्बल, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल और टेकिंग अवे द रफ पेपर सप्लाइड इन द एग्जाम सेंटर्स और फाउंड टू बी अनऑथोराइज पोजेशन ऑफ टेस्ट कॉन्टेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज सीरियस मिसकंडक्ट and will be debarred, disqualified from the exam। ये काफ़ी important notice है। देखिए अभी तक क्या होता था, आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही आप exam देकर आते थे या जिन बच्चों का exam आगे की dates में होता था, वो आके सबसे पहले ये क्या करते थे कि YouTube पे या फिर internet पे उन questions को खंगालने लगते थे जो कि आज के exam में पूछे गए हैं, और आपके बहुत सारे teachers उन questions को हम YouTube पे करवाने लगते थे और फिर उसी से related आगे के questions करवाने लगते थे, जिसकी वजह से होता क्या था, ये चीज़ हमेशा होती थी कि जैसे मान लीजिए एसएससी का एग्ज़ाम 6 तारीख को शुरू होता है फॉर एग्जांपल, और मान लीजिए 12 तारीख तक एग्ज़ाम चल रहा है, तो 6 वाला जो शिफ्ट होता था और फिर 12 वाला पेपर इजी हो जाता था। क्यों? क्योंकि इतनी तारीख तक के जितने क्वेश्चन होते थे वो करवा रखे होते थे और ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन 12 को आते थे, जिसकी वजह से ये जो पेपर का पैटर्न है वो बच्चों को मालूम पड़ जाता था, जिससे कि बाकी की शिफ्ट के पेपर ईजी हो जाते। जैसे मान लो आज का जैसा पेपर आया, आपको सारे क्वेश्चन आपके आज के मिल गए, पेपर लगभग एक लेवल का अगर बनता है तो आज के ही जैसे क्वेश्चंस कल भी पूछे जाएंगे, कल के जैसे क्वेश्चन परसों पूछे जाएंगे, जिसकी वजह से एक जैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पेपर है आगे वाली शिफ्ट्स के लिए आसान होता जाता है। तो इन्होंने एक काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। इन्होंने साफ साफ बोला है ये कि किसी भी फॉर्म में, वर्बल, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, किसी भी फॉर्म में, चाहे वीडियो के फॉर्म में हो, वेबसाइट रिटन, किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पेपर के कॉन्टेंट्स को डिस्क्लोज नहीं करना है, उसे दोबारा पब्लिश नहीं करना है, रिप्रोड्यूस नहीं करना है और ट्रांसमिट नहीं करना है। तो ये खासकर आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग ये ध्यान रखें कि जब आगे का आपका एग्जाम हो तो आप में से कोई भी उन क्वेश्चंस को ना बताए। आप ये बता सकते हैं पेपर कैसा था, मॉडरेट था, ईजी था, टफ था, ये बता सकते हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए आप ये बता सकते हैं, आपने 18 किए, 20 किए, 25 किए, किसी भी सेक्शन में कितने किए आप ये बता सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं बताएंगे कि आज के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, फलाने पेपर में ये पूछा गया। ध्यान रखिए इस चीज को, टेक इट सीरियसली, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि डिसिप्लिनरी एंड लीगल एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स एज पर रूल्स एंड सच मैटर्स वुड बी रिपोर्टेड टू द पुलिस इफ नेसेसरी। तो कोई मतलब नहीं है, मान लीजिए किसी भी एक भी कैंडिडेट के खिलाफ इस तरीके की कोई कार्रवाई हो जाती है तो करियर, उसका करियर चौपट हो सकता है और खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी फॉर्म में पेपर के कंटेंट्स को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम क्रिएटिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जाम। पेपर चलते वक्त आप किसी भी तरीके का रकस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। एनी कैंडिडेट इज फाउंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जाम, उसको भी कैंडिडेचर उसका कैंसिल कर दिया जाएगा और उसे डिबार कर दिया जाएगा। तो पेपर होते वक्त आप कोई भी तरीके की चीज़ें ना करें। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट नोटिस है कि आप पेपर के कॉन्टेंट्स को, पेपर के क्वेश्चंस को आप दूसरे को ना बताएं और किसी भी टीचर के साथ शेयर ना करें, किसी भी वेबसाइट के साथ शेयर ना करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके वहाँ भी शेयर ना करें, टेलीग्राम ग्रुप्स होंगे वहाँ शेयर ना करें, फेसबुक, कोई भी तरीके मीडियम से आप अपने क्वेश्चंस को किसी भी टीचर, किसी भी बच्चे को मत बताइए, क्योंकि वो आपके लिए ही अच्छा है। उसे क्या होगा कि कल जब मैं, मान लीजिए पेपर मेरा, मान लीजिए कल पेपर है और मैं पेपर देने जाता हूँ, तो मैं एकदम फ्रेश माइंड से जाऊँगा, मुझे कोई आइडिया नहीं होगा कैसा पेपर आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, तो फिर सभी के लिए समान कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। आप बस आप लोग ध्यान रखिए कि आगे से किसी के साथ में क्वेश्चंस शेयर ना करें, ठीक है, बिकॉज मैं आपसे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं आपसे टीचर से भी कहूँगा, जो भी बाकी के टीचर्स आप लोग हों, आप उन टीचर से भी यही कहिए कि आगे के क्वेश्चन शेयर ना करें, क्योंकि इट हैज़ बीन डिसअलाउड बाय द SSC। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरा नया बैच आज से शुरू हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और idioms का। ये दोपहर के 3 बजे इसमें क्लास चल रही है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट इंग्लिश का बैच है जो कि रात 8 बजे शुरू हो रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस, जैसे टीम ऑल स्टार्स बैच, CET ब्रह्मास्त्र बैच, सफलता बैच,
MTS, स्टेनोग्राफर, GD, CPO सभी के लिए बैच हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है कि अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, 5850 रुपी कॉस्ट होगा। 2 साल को लेने पर 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा, 7020 रुपीज़ कॉस्ट होगा। इसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड AMANT यूज़ करना होगा। साथ ही साथ अगर आप SSC प्लस बैंक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल पर 6 मंथ्स और 2 साल पर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 8000 रुपये 6.5 साल का और 10000 रुपये आपको 3 साल का देना होगा लगभग। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जो प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए अनअकैडमी ऐप पर आस्क अ डाउट फीचर है, आप अपने डाउट्स को अनअकैडमी ऐप पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ 22 अगस्त को अनअकैडमी पर मेगा कॉम्बैट है, जिसमें टेस्ट अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एप्पल आईपैड मिनी, एप्पल एयरपॉड, JBL स्पीकर या अमेजन वाउचर जीतने का मौका मिलता है। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं संडे को 12 बजे। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आगे के लिए आप लोग ध्यान रखिए कि प्लीज़ डू नॉट शेयर क्वेश्चंस विद एनीबॉडी एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।